हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज बड़ी गड़बड़ हो गई। एक सेशन इससे पहले रिकॉर्ड हुआ तो पता चला 5 मिनट में ही वीडियो ऑटोमेटिकली कट हो गया, तो 4K पे था। और जो मेरा मोबाइल है ये 4K पे 5 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग करता ही नहीं। खैर एनीवे, होप आप सब लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो लास्ट वाला स्टेप था उसको देखा होगा। 15 मिनट का वीडियो उसमें बचा है, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और करा देंगे किसी वीडियो में। अभी आज जो हम टॉपिक लेंगे दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। हालांकि शायद उन 19 या 20 टॉपिक्स की सीरीज में नहीं था, बट काफी यूजफुल टॉपिक है। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली इट इज अ 2D मोशन। अब भाई कई लोग परेशान हो जाएंगे, सर हमने तो 1D मोशन ही नहीं पढ़ा है सर, मैम को तो हम 2D मोशन कैसे पढ़ेंगे। देखिए, फिर याद रखिएगा व्हाट इज आवर पर्पस। इन क्लासेस का पर्पस क्या है? इन क्लासेस का पर्पस यही है हम ऐसे टॉपिक्स को ढूंढ कर लाए जिनमें प्रीवियस नॉलेज का बहुत ज्यादा स्कोप ना हो। अभी प्रोजेक्टाइल में क्या है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं। क्या प्री रिक्विजिट है इसको समझिए। पहला प्री रिक्विजिट तो आपको ये समझना है कि आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए। क्या कॉमन सेंस होना चाहिए? बहुत पहले कुछ समझदार लोग रहे, उन्होंने कहा हमारे आसपास जो चीज फैली है वो स्पेस है, और उन्होंने एक तरीका डेवलप किया बड़ा सिंपल सा। उन्होंने कहा 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअल लाइंस खींच दो, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस खींच दो। अपने मन से किसी को x बोल दो, किसी को y बोल दो, किसी को z बोल दो, ठीक है, इस तरह से ये किसी को x बोल दीजिए, किसी को y बोल दीजिए, किसी को z, बड़ा सिंपल सा है। अगर आप इस एक्सिस पे चलेंगे तो आपका ये और ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, अगर आप इस पे चलेंगे तो ये और ये चेंज नहीं होगा, आप इस पे चलेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जब हम x एक्सिस पे चलते हैं तो y और z चेंज नहीं होते हैं, जब हम y एक्सिस पे चलते हैं तो x और z चेंज नहीं होते हैं। सिमिलरली जब हम z एक्सिस पे चलते हैं तो x और y चेंज नहीं होते हैं। तो आप कह सकते हैं जो हमारे x y z, बेसिकली x y z इंपॉर्टेंट नहीं है, से आप l m n p q r कुछ भी कह सकते थे, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग जो मोशन होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट। इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, 1D मोशन। 2D मोशन का मतलब हो जाएगा 2 times 1D मोशन, ठीक है। अब यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस का आपको आइडिया है, और कुछ जो बेसिक हम इक्वेशंस यूज करते हैं उनका आपको आइडिया है, जैसे v = u + at, ये वेक्टर इक्वेशंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ut + half at square, अगेन दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, एंड v square = u square + 2a। यहाँ पे मैंने तीर नहीं लगाए बिकॉज दिस इज नॉट अ वेक्टर इक्वेशन। अब ये वेक्टर इक्वेशन और स्केलर इक्वेशंस क्या होती हैं, इनको हम कभी बाद में आराम से देखेंगे, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक को देखकर वैसे भी हम रेट्रोगेटिव चल रहे हैं, हम 2D से 1D की ओर जाएंगे, बीच बीच में मिक्स कॉन्सेप्ट करके सीखते रहिए। और इस वक्त इससे बढ़िया अप्रोच कुछ नहीं हो सकती। अगर आप बेसिक से शुरू करेंगे ABCD से, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन प्रॉब्लम, क्योंकि हमको वो टॉपिक्स पे कमांड करना है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। नो डाउट हमारे फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अब सवाल यह है क्या ये वक्त फंडामेंटल बनाने का है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी बातें तो चलती रहेंगी, मन में ठान लो क्या नहीं हो सकता, अभी से लग जाए तो ये, अभी से कुछ नहीं, समझदारी से लगना है, मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन अगर 6 घंटे लगाना है तो उस 6 घंटे को बैल की तरह नहीं यूज करना है, लगाना 6 ही घंटा है, बट उस 6 घंटे में आउटपुट हमको 12 घंटे का लेना है, दैट्स अवर मोटो। अब प्रोजेक्टाइल के लिए सबसे पहला जो चीजें आपको समझनी है, एक तो ये समझिए ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। सबसे पहले तो आप ये समझिए अर्थ की सरफेस कर्व नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां पर एक डॉट खींचूं तो ध्यान रखिएगा ये 6400 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे कितने डॉट खींच पाऊंगा, 10, 20, 50, तो अगर मैं 20 डॉट भी खींचता हूं तो 20 डॉट का मतलब 6400 किलोमीटर, तो एक डॉट का मतलब होगा 320 किलोमीटर। यानी अगर मैं ये भी एक डॉट जैसा यहां पर बनाता हूं तो ये डिस्टेंस अपने आप में कितना मेजर कर रही है, 320 किलोमीटर। तो डेट मीन्स हम जो मोशन स्टडी कर रहे हैं, क्या वहां पे कोई पत्थर बॉल इतना दूर जा रहा है 300 किलोमीटर? जी नहीं, हम 50, 60, 70, 100 मीटर से ज्यादा की स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसलिए फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस हमारी ग्राउंड की सरफेस मुश्किल से डॉट बराबर होगी, और जब डॉट बराबर होगी तो हर जगह पर हम कोई कहीं पे भी फेंके हर डॉट को हम प्लेन की तरह यूज करेंगे। तो सबसे पहला कन्वेंशन हमारा क्या होगा, वी आर इग्नोरिंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है।
दूसरा हमारा assumption ये है, जो हमने ball projectile का मतलब इस तरह से हम oblique u speed से ground से किसी angle पे ball को फेंकेंगे, दूसरा हमारा assumption ये है कि जो हम ball फेंक रहे हैं वो धरती पे वापस आ रही है, इसका मतलब जो हमारी स्पीड होंगी वो escape velocity से काफी काफी कम होंगी, तीसरा थ्रू आउट द मोशन हम जी को कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं, चौथा किसी तरह का एयर का विस्कस इफेक्ट या कह लीजिए बायोएंसी वगैरह अलाना फलाना कुछ लेके नहीं चल रहे हैं, प्लेन मान के चल रहे हैं कि थ्रू आउट द मोशन सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स हमारे सिस्टम पे काम करेगा, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स और कुछ नहीं। ठीक हो गया यहां तक। नाउ प्रोजेक्टाइल क्या है, देखिए ग्राउंड से हमने एक इस तरह से बॉल पत्थर कुछ लिया और उसको फेंक दिया, ठीक है, थोड़ी देर ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, यहां पर एक स्क्रीन खींचिए, यहां पे एक स्क्रीन लगा दीजिए, ठीक है, यहां से एक टॉर्च लीजिए और इसकी परछाई यहां पे बनने दीजिए, ये शेडो थी यहां आया, ये शेडो थी यहां आया, ये शेडो थी यहां आया, ये शेडो थी, शेडो ऊपर गई, अब शेडो नीचे आएगी, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सिर्फ क्या रह जाएगा वर्टिकल मोशन, या कह लीजिए ये कौन सा मोशन है वाई एक्सिस का। इसी तरह से यहां से टॉर्च लगा देंगे तो उसकी शेडो यहां से यहां तक की बनेगी, ये कौन सा मोशन है एक्स एक्सिस का, और इस तरह से सबसे पहले आपने क्या किया, आपने फिल्टरिंग कर ली, ये जो घुमा हुआ सा कर्व मोशन लग रहा है बेसिकली इट इज द रिजल्ट ऑफ टू सुपरइंपोज मोशन, एक ऊपर नीचे वाला और एक जो राइट साइड को जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ठीक है। अब इसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्या हो गया, मैंने बॉल जब ऐसे फेंकी तो बॉल आगे भी गई ऊपर भी गई, आगे भी गई ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर, इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे तो इस तरह से आपका कर बन, आगे ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर, यहाँ इसके बाद आगे नीचे, आगे नीचे, आगे नीचे, आगे नीचे, इस तरह से करते 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 वो नीचे आ गए, यानी पहले थ्रू आउट द मोशन देखिए बॉल पहले ऊपर जा रही है और आगे जा रही है, मेरे हाथ को देखिएगा, बॉल पहले ऊपर जा रही है, ये वाले हाथ को देखिएगा, बॉल पहले ऊपर जा रही है और आगे जा रही है, फिर नीचे जा रही है और आगे जा रही है, यानी ऊपर वाले में तो थोड़ी देर तक ऊपर गई और नीचे आई, लेकिन एक्स एक्सिस वाले में हमेशा आगे को चलती रही, ये आपको समझना है, हमको इस मोशन को अलग कर लेना है और हमको इस मोशन को अलग कर लेना है, ठीक हो गया। ओके लेट अस रिमूव दिस, बहुत बुरा लगता है यार, डेढ़ घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद जब आपको पता चलता है कि 5 मिनट में रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी, कोई बताने वाला भी नहीं था, सब दोबारा से रिकॉर्ड करने में बहुत मूड खराब हो जाता है। खैर एनीवे, अब देखिए हमको क्या करना है, 2D मोशन में x एक्सिस अलग कर लो, y एक्सिस कर लो, x एक्सिस की वेलोसिटी अलग, x एक्सिस का एक्सेलरेशन अलग, y एक्सिस की वेलोसिटी अलग, y एक्सिस का एक्सेलरेशन अलग, जो भी इक्वेशन यूज करते थे v = u + at सब पे x लगा लो, x लगा लो, x लगा लो, अगेन v = u + at सब पे y लगा लो, y लगा लो, y लगा लो, डिस्प्लेसमेंट x बराबर ut + ½at² यहाँ पे सब पे x लगा लो, x लगा लो, अगेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ut + ½at² यहाँ पे y लगा लो, यहाँ पे y लगा लो, मतलब x एक्सिस के पैरामीटर्स अलग, y एक्सिस के पैरामीटर्स अलग। अब आप कहेंगे सर जब सब अलग अलग हो गया तो फिर हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे, तो कंबाइन करने वाली एंटिटी है टाइम, ये टाइम है जो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एक रिलेशन बना दिया है, तो इस टाइम की वजह से हमारे x और y एक्सिस के मोशन जुड़े रहेंगे, बट x और y अपने आप पे इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन वो क्योंकि स्पेस में एक ही समय पे इवेंट हो रहा है, यानी कि ऐसे समझिए ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है, तो एक टाइम पे पर्टिकुलर x कोऑर्डिनेट है और पर्टिकुलर y कोऑर्डिनेट है, तो x और y को जोड़ने वाली चीज क्या है, टाइम, यानी x को हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, y को हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, तो अगर x टाइम के फंक्शन पर है, y पर है, तो इसको डिवाइड करके कुछ ना कुछ करके t को एलिमिनेट करके हम y और x के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर y और x के बीच का रिलेशन हम निकाल लेंगे तो हम कहेंगे हमको क्या पता चल गई, ट्रेजेक्ट्री या पाथ, बाद में देखेंगे, ठीक है, सिंपल इतना, ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं। दूसरी कंडीशन, पिछला वाला सब भूल जाइएगा, जो भी प्रोजेक्टाइल में जैसे भी पढ़ा है मुझे नहीं पता, 20 से 30 मिनट बाद आपको एकदम सारा जो कह लीजिए ब्रह्म ज्ञान है प्रोजेक्टाइल का सारा रिजॉल्व हो जाएगा, मुश्किल से 20 मिनट 5 मिनट में सारा प्रोजेक्टाइल रिवाइज करोगे, दिस इज माय गारंटी। अब देखिए जब हमने प्रोजेक्टाइल फेंका होगा क्या भाई, हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका होगा,
किसी स्पीड से किसी एंगल पर। जब आप फेंकेंगे तो आपके दिमाग में सवाल आएंगे, भैया कितनी हाइट तक जाएगा, कितने टाइम तक हवा में रहेगा, उसको बोल देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से फेंकेंगे कहां जाके गिरेगा, उसको बोल देते हैं रेंज। तो आपके पास चार पांच चीजें आ गई, यू से फेंका थीटा एंगल पे, ये आपका नोन था, क्योंकि जहां से फेंक रहे हैं वो तो आपको मालूम है, जो आप कर रहे हैं वो आपको मालूम है कि भैया मैं अपना हाथ कितने एंगल पर करूंगा और मैं इतनी स्पीड से झटका दूंगा। आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा, आपको स्प्रिंग ले लेंगे, मशीन ले लेंगे, उससे आपको पता है। ये सब चीजें फ्यूचर की है, देखो ये प्रेजेंट है, यहां से आपने छोड़ा टी इक्वल टू जीरो पर, भविष्य में क्या होगा, कितना हाइट जाएगा, कितनी देर हवा में रहेगा और कहां जाके गिरेगा, ये सब भविष्य के सवाल है। और फिजिक्स में हमको क्या बनना है, फिजिक्स में हमको भविष्यवक्ता बनना होता है, हमने जो काम किया फ्यूचर में उसका क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, इसको हमको पहले से बताना होता है, ठीक है ना। तो यही चीजें अगर मैं पता करने लगूं तो ये मेरे सवाल बन गए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितनी होगी और मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, ठीक है। तो अब उनको एक एक करके निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज ये है हमारा प्रोजेक्टाइल, यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पर। सबसे पहले तो एक चीज समझिए, यहां से एक इसकी वेलोसिटी हो गई x वाली और एक हो गई y वाली, ठीक है ना। पैरामीटर्स लिखेंगे, ux को क्या लिख सकते हैं, u cos theta, ax है नहीं, uy को क्या लिख सकते हैं, u sin theta, ay को लिख सकते हैं g। हम ऊपर की जाने वाली किसी भी चीज को प्लस कर देंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा और जी हमारा माइनस का हो जाएगा। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता चल गया, क्योंकि x एक्सिस में देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, देयरफॉर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस विल रिमेन सेम और कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। यानी कि अगर मैं आने वाले टाइम में बनाऊं तो x एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा एक समान बना सकता हूं, ये ठीक है। y एक्सिस की वेलोसिटी को क्या होगा, y एक्सिस की वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यहाँ पे नीचे पाने लगेगी और वापस आके फिर से उतनी हो जाएगी जितनी फेंकी थी, लेकिन डायरेक्शन उसका बदल चुका होगा। तो यहां पर यानी कि टॉप पॉइंट पर vy इज जीरो, वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ध्यान रखिएगा x कंपोनेंट तो वेलोसिटी का हमेशा रहेगा, ऑलवेज There is always velocity around x-axis in projectile motion, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, यहीं पे देखिए क्वेश्चन हमको मिल गया, कोई अब तक फॉर्मूला तो सिखा ही नहीं हमने, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया ये प्रोजेक्टाइल है, ये u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका, थोड़ी देर बाद ये एंगल चेंज हो गया अल्फा, तो यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। मुझे कुछ नहीं आता है, बस एक लाइन आती है, x एक्सिस की वेलोसिटी सेम रहती है, तो यहाँ पे x एक्सिस की वेलोसिटी कितनी थी, u cos theta, यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी, v cos alpha, and v is u cos theta upon cos alpha, जिसे आप कर सकते हैं u cos theta sec alpha, बस एक लाइन का आंसर खत्म। दूसरी चीज, एक दो तीन चार, यहाँ पे u theta alpha देके v पूछा था, कोई भी तीन देके आपसे चौथी चीज पूछ सकता था, ठीक। जहां जहां पे सवाल खत्म हो जाता है आप लोग पॉज कर लिया करो, अगर किसी को नोट्स बनाने हैं या लिखना है, ठीक है। वैसे क्योंकि अगर मैं उतना ही टाइम देने लगूंगा जैसे क्लास में होता था तो उतना टाइम वेस्ट होगा हम लोगों को, आप हमें पॉज करिए, उसको उतार दिया करिए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, मेरा y कोऑर्डिनेट जीरो था और वापस मेरा y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, बॉल जितनी देर हवा में रही, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में रहने का मतलब बॉल को यहां से फेंका और यहां पर पहुंच गई, ठीक है। तो हम क्या यूज कर लेते हैं, ये वाली इक्वेशन, ठीक, ये हो गया जीरो, ये यू वाई हो गया, ये ए वाई हो गया, तो यू वाई अगर जीरो कर दिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक हो गया। यहां पर कई लोग ऐसे कर लेते हो, यू वाई टी बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, टी से टी कटा और टी बराबर क्या कर देते हो, टी यू वाई अपॉन जी, ओके है, बट ऐसे किया मत करो, ठीक है। रीजन देखिए, ये क्या होती है, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आने चाहिए, दो सॉल्यूशन आने चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या इशू हो गया,
आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन निकाला, ठीक है ना। तो क्या करना है, यहां से चेंज कर लीजिए, यहां से टी कॉमन लीजिए, यू आई माइनस हाफ जी टी बराबर से करिए, एक टी जीरो निकालिए और एक टी को टू यू वाई भी जी करिए, एक वाई या टू यू वाई अपॉन जी करिए। इससे ये पता चला कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो कब था, एक टी इज इक्वल टू जीरो पे और एक दूसरा टू यू वाई अपॉन जी पर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दैट मींस जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया टू यू वाई अपॉन ए वाई या टू यू वाई अपॉन जी कह लीजिए, ए वाई इज जी, या इसको थीटा फॉर्म में कर लीजिए, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रखें कल को अगर प्लैनेट चेंज होता है आप अकॉर्डिंगली ए वाई डाल देंगे, कल को अगर क्वेश्चन कंपोनेंट पे आता है, देखिए कुछ क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल के कंपोनेंट फॉर्म पे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल के थीटा फॉर्म पे होते हैं, यही कंफ्यूजन होता है। अगर आप ये समझ गए कौन से क्वेश्चंस में प्रोजेक्टाइल का थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है और कौन से क्वेश्चंस में प्रोजेक्टाइल का कंपोनेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर आपने ये समझ लिया देन नो इश्यू, तब आप एकदम बढ़िया से प्रोजेक्टाइल मोशन को कर ले जाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग भाई, कितनी हाइट तक जाएगा, ठीक है ना, यानी कि यहां तक पहुंचा तो टॉप पॉइंट की पहचान क्या है बताई थी, टॉप पॉइंट की पहचान है वी वाई इज जीरो। तो हम क्या इक्वेशन यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर क्योंकि वाई एक्सिस पर है प्लस वन, ठीक है, इसको जीरो पुट कर देंगे, ये हो जाएगा यू वाई स्क्वायर प्लस टू माइनस जी और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा एच मैक्स और आपका एच मैक्स का फॉर्मूला आ जाएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन टू ए वाई या यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, दो फॉर्मूले हो गए, ठीक, ओके। इसको पॉज कर लीजिए, फिर यहां पे नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरा ये भी पूछ सकता है आपसे कि टॉप तक पहुंचने का टी अप और यहां से वापस आने का टी डाउन, भाई ऊपर जाने का टाइम कितना लगेगा, नीचे आने का कितना। तो फिर से टॉप की पहचान क्या है, फिर से वी कितना हुआ है जीरो, फिर से क्या यूज कर दीजिए, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाई वाई वाई, इसको जीरो पुट कर दीजिए, यू वाई यू वाई रहा, ए क्योंकि माइनस जी है तो ये हो जाएगा हमारा टी अप और टी अप आ गया यू वाई अपॉन ए वाई या सिंपली यू अपॉन जी, यू वाई अपॉन जी या यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। क्योंकि टोटल टाइम हमारा आया था टू यू अपॉन जी, टी अप हो गया है यू अपॉन जी, इसका मतलब टी डाउन भी कितना होगा यू अपॉन जी, तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होगा, ठीक हो गया। अगेन पॉज करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप पॉज करिए, पूरा आपको एक साथ दिख जाएगा। नाउ अगला सवाल क्या था, कहाँ जाके गिरेगा, तो कहाँ जाके गिरेगा मतलब x इनिशियल x फाइनल, तो ये जो डिफरेंस होगा इसको आप क्या बोल रहे हैं, रेंज, इसे डिनोट कर रहे हैं किससे, आर से। अगेन डिस्प्लेसमेंट इज यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, एक्स एक्सिस का एक्सप्रेशन है नहीं, एक्स को रेंज बना देंगे तो ये हो जाएगा यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था टू यू वाई अपॉन ए वाई, इसे लिख लीजिए यू एक्स टू यू वाई अपॉन जी, ठीक हो गया, या टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसको, थीटा पे लाना है तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा टू यू साइन थीटा अपॉन जी, याद रख लेंगे साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां से कॉस थीटा टू और साइन थीटा, तो रेंज आ गई यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक, क्लियर। अगेन पॉज करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कहता हूं कितनी देर हो गई, मेरे ख्याल से हमको 15-20 मिनट या जितना भी टाइम हुआ, आप समझिए 15-20 मिनट में अगर मैं कहूं कि क्या किया, हमने 5 सेकंड का भी नहीं पढ़ाई करी,
हमने एक प्रोजेक्टाइल को पढ़ना शुरू किया, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल पे हमने एजम्पशंस पढ़े, हम किस केस में अपना प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, जो भी थे 1, 2, 3, ठीक है ना। हमने पढ़ा एक्स हमेशा कांस्टेंट हो जाता है, चाहे तो आप वाला डायग्राम यहाँ पे देख ले सकते हैं, ये कम हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, ये चीज हमेशा फिक्स रही। फिर हमने देखा कि टाइम ऑफ लाइट जो कि आया था 2UI/AY, 2UI/G या 2U sin theta/G। सिमिलरली मैंने देखा था मैक्सिमम हाइट जो कि आई थी UI²/2AY, UI²/2G या U²sin²θ/2G। इसी तरह से रेंज हमने देखी थी UX×time of light या 2UX/UI/G या रेंज हो गई थी U²sin²θ/G, ठीक है। तो आप देखेंगे जो हमने पिछले 15 मिनट में पढ़ा वो ले देकर सिर्फ इतना था, इसे ड्रॉ करने में शायद मुझे 1 मिनट लगा हो। अब आप ये करिए, जस्ट अपनी आईज को क्लोज करिए एक बार, आपको प्रोजेक्टाइल दिख जाएगा, यहाँ से दिख जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, प्रोजेक्टाइल का अजम्पशन दिख जाएंगे, टाइम ऑफ लाइट इज 2UY/G या 2U sin θ/G, रेंज दिख जाएगी, एच दिख जाएगा, मुश्किल से 3 सेकंड लगेगा। दैट मीन्स जितना भी हमने पढ़ा वो सारा का सारा 3 सेकंड में हम कन्वर्ट कर सकते थे इस तरीके से, ओके। तो इसी तरीके से आपको बायो में करना है, इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में करना है। पढ़िए, जस्ट क्लोज योर आईज, अगर आपके सामने मेंटल इमेज बन रही है बेटर, नहीं बन रही है फिर देखिए, और तब तक कोशिश करिए। लिखने से याद नहीं होता, अगर कोई तुमको बोला है जीवन में कि 10 बार लिखने से याद होता है तो बेवकूफ आदमी है, क्लियर कट, ठीक है ना। वो बचपन में होता था कि लिख लिख के याद करो, एक्चुअली जब तक आप जो जब थोड़ा डेटा होगा तब तक तो आप लिख लिख के कर लोगे, बड़े डेटा को याद करने का एक ही तरीका होता है, जस्ट ट्राई टू मेक द मेंटल पिक्चर्स, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि इन बेसिक चीजों पे हम किस तरीके से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 2 फॉर्मेट में आ सकते हैं, ठीक है ना। एक बेस्ड अपॉन थीटा वाले जो फॉर्म्स होंगे, यानी कि ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमको थीटा वाले एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे ये समझिए, जब हम प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं, एक यू होता है, एक थीटा होता है, एक एच होता है, एक टी होता है और एक रेंज होती है, ठीक है। और अभी तक हमारे पास क्या क्या आया है, टी बराबर 2U sin θ/G, एच बराबर U²sin²θ/2G एंड रेंज इज U²sin²θ/G। देखिए जी तो है कॉन्स्टेंट, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, ये समझ गए तो आपका जो घंटों का काम है वो एटलीस्ट मिनटों में आ जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गो इनटू द एग्जामिनर्स माइंड। आखिर एग्जामिनर या कोई किताब जब सवाल बनाती होगी तो कोई एग्जामिनर क्या सोच के सवाल बनाता है, देखिए एग्जामिनर के दिमाग में आया यार कुल मिला के कितनी चीजें हैं, 5 चीजें हैं, ठीक है। इन 5 चीजों को कनेक्ट करने वाली कोई इक्वेशन होनी चाहिए। अब उसने देखा कि टाइम 1, θ 2 और U 3, उसने कहा इनमें से 3 चीजें कनेक्ट हो रही हैं, यहाँ H कनेक्ट हो रहा है, थीटा कनेक्ट हो रहा है और फिर से U कनेक्ट हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं दिस इज अ रिलेशन बिटवीन T थीटा एंड U, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन H U एंड थीटा, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन R U एंड थीटा। एक्चुअली आपने 3 सवाल किए, आप ऐसे सोचो मैं इस तरह से फेंकता और आपसे कहता हूँ फाइंड द रिलेशन बिटवीन T थीटा एंड U, फाइंड द रिलेशन बिटवीन H U एंड थीटा एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन R U एंड थीटा, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, अगर आपके पास ए बी सी डी ई 5 चीजें हैं और मैं आपसे बोलूं इसके 3-3 के कॉम्बिनेशंस बनाओ तो क्या करोगे, ए बी सी, ए बी डी, ए बी, फिर ए सी डी और ए डी, फिर बी सी डी, बी डी ई, ठीक है ना, फिर क्या बना सकते हो सी डी ई। तो इस तरह से आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 टाइप के कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बन गए, ठीक है ना। हम रिपीट नहीं कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि CBE या BCA सारे सेम होंगे, तो इसका मतलब 8 तरह के रिलेशन आप बना सकते हो। तो ABCD की जगह क्या कर दो, U थीटा H T R, तो आप देखो आपके जो 8 कॉम्बिनेशन है 8 में से कितने हो गए, 1, 2, 3 कॉम्बिनेशन हो गए। दैट मींस स्टिल वी आर लेफ्ट विद 5 ऑप्शंस, मतलब 5 कॉम्बिनेशन बचे हैं, वही 5 कॉम्बिनेशन आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, समझ गए। आप मुझे बताओ ये क्या था, ये फॉर्मूला था या किसी क्वेश्चन का आंसर था, बेसिकली ये एक क्वेश्चन था
फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस 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 एंड दिस दिस, ये उसका आंसर था. क्योंकि आपने आंसर को याद कर लिया है तो आपको क्या लग रहा है कि हमने क्या बना लिया, फॉर्मूला. अब मैं आपसे क्या कहता हूं, इस इक्वेशन में आके R और H को डिवाइड कर देते हैं, R को H से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा की जगह मैं टाइम ले ले रहा हूँ, पूरा काट के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना. अगला वाला मैं काटूंगा नहीं, काटने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है. और H की जगह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसे दो बार साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है ना, जी ऊपर चला गया. अब देखो यू स्क्वायर स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, ठीक है, सॉरी यू स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है, टू जी नीचे आ गया. अब ये क्या रह गया, ये रह गया R अपॉन एच बराबर टू इंटू टू फोर, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा. थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, cot थीटा को यहाँ ले आता हूँ, h को वहां ले जाता हूँ, तो ये बन जाता है R tan थीटा बराबर 4h. क्या है ये रिलेशन है R थीटा और h का, यानी कि हमारा चौथा कॉम्बिनेशन. और इसको याद कर लीजिए, तो ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला, और ये किस नंबर का फॉर्मूला हो गया, चार नंबर का. इनफैक्ट इस फॉर्मूले को याद रखना सबसे आसान काम है. क्या याद रखना है, रतन चोर है. आप इतना याद रखिए, रतन चोर है, तो R tan थीटा बराबर 4H. और ये मान के चलिए इस फॉर्मूले पे बेस होके हाई प्रोबेबिलिटी है, बाकी चाहे प्रोजेक्टाइल हो चाहे ना, लेकिन इस पे बेस क्वेश्चन हमेशा एक आने की चांस हमेशा बनी रहती है, ठीक है. अब हमने चार सवाल लगा लिए, अब क्या करते हैं, इसी तरह से पूरा मिटाते हैं इसको, आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है. अब क्या करिए, अब आप टी था आपके पास टू यू साइन थीटा अपॉन जी, और आर था आपके पास यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है. अब मैं आपसे क्या कहता हूं, आर को टी स्क्वायर से डिवाइड करिए इस बार, ठीक है ना, करिए पांच मिनट में, सॉरी एक मिनट में, मैं आप फिर से देखता हूं. तो आई होप हो रहा है आप लोगों का, ठीक है ना. अब देखो एक्चुअली मैं गया यार चेक करने, इससे पहले मैं बोलता रहा, पता चला पांच ही मिनट पर रिकॉर्डिंग हो गई थी खत्म, इसलिए इस बार चेक कर लिया कि भैया रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है. यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और टी स्क्वायर की जगह फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन जी स्क्वायर. सारा कुछ काट देंगे तो क्या मिल जाएगा, R tan थीटा बराबर हाफ जी टी स्क्वायर. पांचवा कॉम्बिनेशन हो गया, ये बन गया फॉर्मूला नंबर पांच, ठीक है. अब देखो क्या हुआ, इससे पहले भी R tan थीटा 4h भी आया, और R tan थीटा हाफ जी टी स्क्वायर भी आया, ठीक है ना. अब दोनों को इक्वेट कर दोगे तो 4h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, और h बराबर कितना आ गया 1/8 जी टी स्क्वायर. ये किसके बीच का रिलेशन हो गया, h और g, फॉर्मूला नंबर 6. आई बात समझ में. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब आप जितने कॉम्बिनेशन पहले देख लीजिए, एग्जामिनर कितने टाइप के सवाल बना सकता था, एग्जामिनर जितने कॉम्बिनेशन थे उतने सवाल बना सकता था. यहाँ पर अब हमारे पास टोटल सिचुएशन ऐसी आ गई कि प्रोजेक्टाइल के केस में एक फॉर्मूला आ गया टी का 2u sin theta upon g, component form में 2uy upon g, h का आ गया uy square upon 2g, component form u square sin square theta upon 2g, ठीक है. range का हो गया पुराना वाला u square sin 2 theta upon g, then रतन चोर है, then रतन ने क्या चुराया, आधा पैकेट पार्ले जी और टाटा टी. ये मेरा तरीका है याद करने का, ठीक है ना, जस्ट भाई रतन चोर है, रतन ने क्या चुराया, रतन ने चुराया आधा पैकेट पार्ले जी, जी फॉर जी एंड टाटा टी टी टी, और लास्ट में एच बराबर 1/8 जी टी स्क्वायर. तो देख के दोनों को ऐसे ही हो जाता, ठीक है ना. तो इस तरह से अब क्या हो गया, जो मैं तीन चीजें याद करके बैठा था, तीन को भी दो वर्जन में यानी छह यहां से, और तीन एक्स्ट्रा चीज हो गई नौ. तो इस तरह से हमने देखा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपने लैंग्वेज में एक शॉर्ट फॉर्म पे करते चलना होता है, तो यही सब आगे चल के हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है. अब सेकंड हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन
कंपोनेंट फॉर्म. क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन कंपोनेंट फॉर्म. अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, हमको यू दे दिया ए आई प्लस बी, हमको बोला एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया इस वेलोसिटी से, हमको टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, हमको एच बताइए, हमको रेंज बताइए. ठीक है, तो क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टू यू आई अपॉन जी. यहाँ पे ये क्या है यू आई, ये क्या है यू एक्स, तो कितना हो गया आंसर टू बी अपॉन जी. एच यू आई स्क्वायर अपॉन टू जी, कितना हो गया आंसर बी स्क्वायर अपॉन टू जी. रेंज यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट ए इंटू टू बी अपॉन जी. खत्म. ठीक है, अगेन पॉज करिए, नोट करिए. सेकेंड एग्जाम्पल, ये बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है यार. ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कभी भी आपका नीट में आने का चांस रखता है. हमने तीन प्रोजेक्टाइल फेंके, अलग अलग कलर कर दिया, रंगीन बढ़िया लगता है. सो ए बी सी, सबसे पहले सवाल गया बाद में, सबकी एच मैक्सिस सेम, सबका रेंज इज सेम, नहीं सी की सबसे ज्यादा, फिर बी की और फिर ए की. अब मैंने आपसे क्या पूछा, अरेंज करिए किसका टाइम ऑफ फ्लाइट बड़ा ज्यादा, किसकी वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा कम, किसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी ज्यादा कम, किसकी टोटल वेलोसिटी ज्यादा कम, यानी कि हमको बड़ा छोटा और बराबर का साइन लगाना है. ठीक है, अब एक एक करके आते हैं. देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एच मैक्स सेम है. नाउ एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता था, यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी. जी सबके लिए सेम, एच सबके लिए सेम, तो इसका मतलब यू वाई भी सबका सेम होगा. क्लियर. टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टू यू आई अपॉन जी. यू आई सबके लिए सेम, जी सबके लिए सेम, सबका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम हो गया. रेंज क्या होती है, रेंज इज यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट सबके लिए सेम, तो जिसकी रेंज सेम है, नहीं ज्यादा कम है, तो जिसकी रेंज ज्यादा उसका यू एक्स भी ज्यादा. तो रेंज आपने अरेंज कर रखी है. ठीक है, नेट वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर. वाई सबके लिए सेम, जिसका यू एक्स ज्यादा होगा उसका यू भी ज्यादा होगा. खत्म. अगेन पॉज लीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से बैक ले ले, एक बार देख ले. दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन, किसी भी टाइम इसके नीट में आने का हाई प्रोबेबिलिटी है. AI ट्रिपल में आया हुआ है, JEE में आया हुआ है, कोई कैलकुलेशन नहीं, नो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. आपको प्रोजेक्टाइल का बेसिक नॉलेज है या नहीं है. ठीक है, नाउ कैटेगरी सी, सॉरी सेकंड कैटेगरी, वो तो थीटा बेस कह सकते हैं, डेरिवेशंस हो गए. अब सेकंड क्या हो जाएंगे हमारे, वो क्वेश्चन जो थीटा बेस क्वेश्चन होंगे. अब यहां पर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखिए जैसे ये प्रोजेक्टाइल है हमारा, यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका, ये हमारी रेंज बन रही है. अब आप एक चीज समझो, हमारे पास कोई भी आदमी है, वो अगर पत्थर फेंक रहा है, ऐसे फेंके चाहे ऐसे फेंके चाहे ऊपर को फेंके, उसकी मसल तो सेम है. इसका मतलब कहीं भी फेंकेगा तो वो एक फिक्स वेलोसिटी दे सकता है, वो उसकी मर्जी कि किस थीटा पे फेंके. यानी आर किसका फंक्शन बन जाएगा, थीटा का. दैट मींस फॉर अ गिवन यू, अगर हम इस तरह से अलग अलग एंगल पे 5 डिग्री 10 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पे ऐसे फेंकते रहे, हालांकि 90 डिग्री गलत है, 90 डिग्री तो ऐसे होगा. मेरे कहने का पर्पज यह है कि अलग अलग एंगल पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको जो रेंज मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी. तो मेरा सवाल ये आ जाता है कि भाई किस एंगल पे फेंकने पे हमको सबसे ज्यादा रेंज मिल सकती है. ठीक है, किस एंगल पे फेंकने पे जो मेरी रेंज है वो मैक्सिमम हो जाएगी और पूरे उसमें मेरा जो यू है वो फिक्स रहेगा. तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. यू सेम है, जी सेम है, इसका मतलब आर सिर्फ किसका फंक्शन है, साइन टू थीटा. जब साइन टू थीटा मैक्सिमम हो जाएगी तो हमारी रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगी.
कौन से साइन थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी होती है? 90 डिग्री की 1, यानी अगर 2 थीटा 90 डिग्री हो गया तो हमारा यानी थीटा 45 डिग्री पे मेरी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो जिसको भी अपना पत्थर भाला जैवलिन सबसे दूर फेंकना है वो 45 डिग्री पे फेंकेगा। इसलिए सारे एथलीट जो जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो कर रहे हैं उनकी कोशिश रहती है कि वो अपने हाथ को 45 डिग्री पे लाए। हालांकि एग्जैक्टली 45 डिग्री नहीं होगा क्योंकि उनका प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, फिर भी नियरली 45 डिग्री पे रखने की वो कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकेंडली अब क्या किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन यहां से आप एक प्रोजेक्टाइल को फेंकिए थीटा एंगल पे और दूसरे प्रोजेक्टाइल को फेंकिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, यू हमारा सेम रहेगा, दैट मींस थीटा वन और जिस दूसरे एंगल पे फेंक रहे हैं वो 90 डिग्री होना चाहिए, या थीटा और 90 माइनस थीटा पे होना चाहिए, या अगर एक 45 माइनस थीटा है तो दूसरा 45 प्लस थीटा, कुछ भी आप बात करिए, या एंगल शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, या एक अगर x एक्सिस से थीटा पर है तो दूसरा y एक्सिस से थीटा पर हो। देखो भाई x एक्सिस से अगर 30 होगा, ठीक है ना, तो दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल x एक्सिस से 60 होगा तो y से कितना हो जाएगा 30। तो जैसे भी लैंग्वेज दी हो, दो प्रोजेक्टाइल फेंके थीटा 90 माइनस थीटा पे, या 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा पे, या दो प्रोजेक्टाइल फेंके एक x पे थीटा से दूसरा y पे थीटा से, पहले की रेंज कितनी लिख लोगे? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। दूसरे की रेंज कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर sin 2 90 माइनस थीटा अपॉन g। ये हो गया u स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g। अगेन एक पॉइंट याद रखना है, sin 180 माइनस थीटा वापस हो जाता है sin थीटा, तो इसी तरह से sin 180 माइनस 2 थीटा ये क्या हो जाएगा? u स्क्वायर अगेन sin 2 थीटा अपॉन g, यानी कि रेंज पहली के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा फैक्ट, अगर हम दो प्रोजेक्टाइल को थीटा और 90 माइनस थीटा पर फेंकते हैं तो दोनों की जो रेंज है वो हो जाती है सेम। तो अब मैं एक ही पे डायग्राम बना सकता हूं, दिस एंड दिस। ठीक है, एक थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो आर वन इज टू आर टू कितना हो गया? 1:1। लेकिन एक का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin थीटा अपॉन g, तो दूसरे का होगा 2u sin 90 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा अपॉन g। तो इसलिए t1:t2 क्या हो जाएगा? tan थीटा इज टू 1। इसी तरह से h1 होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो h2 होगा u स्क्वायर sin 90 माइनस थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो h1:h2 का रेशियो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज टू 1। ठीक है, तो दो प्रोजेक्टाइल अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंके जाएंगे बट कंडीशन इज विद सेम स्पीड रेशियो विल बी 1:1, बाकी t1 और h1 का रेशियो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक और स्पेशल क्वेश्चन बन के आता है, ये भी देखिए बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? अब हमने देख लिया भाई दो प्रोजेक्टाइल हैं, ठीक है, एक को 45 प्लस थीटा और एक को 45 माइनस थीटा पे फेंका गया है, तो हमको तो पता है भाई इसकी रेंजेस सेम, बट h1 और h2 तो डिफरेंट है और t1 और t2 डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए h1 क्या लिखोगे? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h2 क्या लिखोगे? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या करना है? h1 और h2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u स्क्वायर का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2 और 2 कितना हो गया? 4, और ये क्या हो गया? g का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करिए, 4 से यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे क्या हुआ? h1 h2 आपका हो गया u स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये 4 भी अंदर ले लीजिए, तो 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 16,
और जी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से एच वन एच टू क्या हो गया, सारे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो क्या कर लो यू स्क्वायर, ये क्या हो गया साइन टू थीटा, ठीक है ना, अपॉन जी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया वन अपॉन सिक्सटीन, समझ गए, यू स्क्वायर एक, ये क्या था साइन टू थीटा का स्क्वायर, तो साइन टू थीटा और जी का स्क्वायर हो गया, और ये क्या चीज है अंदर वाली चीज, दिस इज रेंज, तो एच वन एच टू बराबर क्या आ गया रेंज का स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन, तो रेंज आ गई फोर अंडर रूट एच वन एच टू। अगेन इसको याद रख लीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, ऑन द स्पॉट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक, जस्ट नोटेड। अब इसी तरह से टी वन यू सॉरी टू यू साइन थीटा अपॉन जी, टी टू टू यू कॉस थीटा अपॉन जी, फिर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टी वन टी टू क्या हो गया फोर यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर, जी को दो बार लिख लो, इस फोर को भी क्या करो टू यहां लिख लो और टू यहां दे दो, अब बताओ ये क्या है यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यानी टी वन टी टू का प्रोडक्ट हो गया टू आर जी, और सिंपली आपकी रेंज आ गई हाफ जी टी वन टी टू। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ गया। अब तो कुल मिलाकर अब देखिए क्या हमारे पास आ रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये बन गया जनरल बनाना एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट दिखा दो, ठीक है, रेंज का फॉर्मूला यू एक्स टी यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है ना, टी अप बराबर टी डाउन, ठीक, थीटा इज इक्वल टू 45 पे रेंज इज मैक्सिमम, ठीक है, यहीं से जो सिंगल प्रोजेक्टाइल है सिंगल प्रोजेक्टाइल वाले यानी कि सेम प्रोजेक्टाइल वाले केस में आर टेन थीटा बराबर 4h, आर टेन थीटा बराबर हाफ जी टी वन टी टू एंड एच बराबर 1 अपॉन 8 टी वन टी टू, ठीक है, देन यहीं से बना लीजिए थीटा एंड 90 माइनस थीटा, तो क्या है थीटा 90 माइनस थीटा, रेंजेस सेम, रेंज बराबर 4 अंडर रूट एच वन एच टू एंड रेंज बराबर हाफ जी टी वन टी टू, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं नोट करके भी आपको बताता हूं, ठीक एग्जैक्टली 43 मिनट्स का वीडियो बना अभी तक, आप देखोगे 43 मिनट्स के वीडियो को समराइज करने में मुझे 1.5 मिनट नहीं लगा लिखने में, अब जरा इसको मेरे साथ बोलोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, दिस इज द होल स्टोरी वी हैव स्टडीड इन लास्ट 43 मिनट्स, कितने क्वेश्चंस हुए आप देख सकते हैं, किस एफिशिएंसी से आप पढ़ाई कर सकते हैं, जस्ट क्लोज योर आईज, एक बार आंख बंद करो, प्रोजेक्टाइल क्या है, ये वाला फिगर आ गया एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा अपॉन जी टू यू वाई अपॉन जी, कंपोनेंट फॉर्म आ गए एच के आ गए आर के आ गए, रेंज का मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे, 90 माइनस थीटा पे रेंज का रेशियो 1:1 हो जाता है, रेंज क्या हो जाती है 4 अंडर रूट h1 h2, रेंज को क्या लिख सकते हो हाफ जी टी वन टी टू, एक सिंगल प्रोजेक्टाइल में आप अलग अलग रिलेशंस बना सकते हैं, h और r का रिलेशंस बना सकते हैं, h और t के रिलेशंस बना सकते हैं, r tan थीटा बराबर 4h, r tan थीटा बराबर हाफ जी इतना एंड h बराबर 1 अपॉन 8 टी वन टी टू। तो जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं, चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़ें चाहे फिजिकल केमिस्ट्री चाहे बायो, जस्ट ट्राई टू समराइज जो आपने पढ़ा है बेटा, एक मिनट से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, दैट्स व्हाई जब कोई मुझसे पूछता था कि सर आप कितना घंटे पढ़ते थे, लिटरली स्पीकिंग मैं कभी घंटे में पढ़ता ही नहीं था, 15 मिनट बहुत होता है, अगर आप 15 मिनट पढ़ना चाहते हैं, ये तो एक एग्जांपल है, तो एक मिनट हुआ है, यानी कि जब क्योंकि आज एक्चुअली मेरे दो वीडियो बर्बाद हो गए,
थोड़ा सा गला भी थक गया है, अदरवाइज मैं पूरा इसको 3 घंटे का सॉलिड लेक्चर देने वाला था, फिर भी कोशिश करेंगे कल वो लेक्चर डालते हैं। कहने का मतलब ये देखिए, 45 मिनट्स की पढ़ाई को इजिली आप 1 मिनट में रिड्यूस करके ला सकते हैं कल का लेक्चर जो होगा, और ज्यादातर सवाल हमारे इन्हीं फॉर्मूला से हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जब आप इसको बना लेते हैं अपने सामने और रोज चाय पीते हैं, कभी भी आते जाते देखेंगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, और तब आपको एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, आई कैन क्रैक, आई कैन डू एनी क्वेश्चन इन वेरी लेस टाइम, और वो जो कॉन्फिडेंस होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिलेक्शन। बाकी सब चीजें अपनी जगह है, ठीक है ना। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से या सिर्फ बार बार सोचने से कि नहीं मुझे ऐसे करना है वैसे करना, नहीं, एक्शन लीजिए, छोटे छोटे एक्शन लीजिए, सोचिए बड़ा लेकिन छोटे छोटे एक्शन लेने आज से स्टार्ट कीजिए हमेशा, दैट इज द बेस्ट अप्रोच, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, इसको देखिए, सारे फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, कोशिश करते हैं कल ही इसका सेकेंड पार्ट डालते हैं, ताकि आप जो और क्वेश्चन है कितनी वैरायटी हम तैयार कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।